हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 23, 24 एंड 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसके तरह न्यू बहुत सारा साम्स जो एग्ज़ाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो हम डिटेल में बताएंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको पूछा कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोल के ये फंक्शन का आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकलना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, अच्छे से क्वेश्चन को देखिए। जब फंक्शन में लेस देन और ग्रेटर देन प्रेजेंट है, जो गिवन फंक्शन है उसमें लेस देन प्रेजेंट है, ग्रेटर देन प्रेजेंट है, तो इसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए बेटा, आप आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए गिवन एफ एक्स इक्वल टू बोल के, तो यहाँ पे इंटरवल देखिए, आपको यहाँ पे लिखना है इन एक्स लेस देन जीरो, मतलब एक्स अगर जीरो से छोटा है तो फंक्शन क्या देता है, एफ एक्स क्या देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ओवर एक्स। देखिए ऑलरेडी हम लोग जानते हैं साइन एक्स तो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, सिर्फ साइन एक्स के बारे में सोचिए, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है और एक्स ये भी तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि देखिए इसका ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे, ये साइन एक्स कंटिन्यूअस होता है और एक्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है देखने में, ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है। हमेशा याद रखना, हम बोले थे कि डिवीजन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन मे बी कंटिन्यूअस मे नॉट बी कंटिन्यूअस, मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस, डिवीजन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस। देखिए बेटा कब कंटिन्यूअस होगा, अगर डिनोमिनेटर नॉन जीरो होगा, डिनोमिनेटर अगर नॉन जीरो हो जाएगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, डिवीजन ऑफ टू फंक्शन। देखिए यहाँ पे एक्स तो जीरो से छोटा है, एक्स तो नेगेटिव है, तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नंबर रखिए, कभी अनडिफाइंड नहीं आएगा, ये फंक्शन कभी अनडिफाइंड होगा ही नहीं। तो ऊपर में साइन एक्स है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, नीचे एक्स है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो रेशियो ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, क्योंकि एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो इस इंटरवल में तो है ही, यहाँ पे बोला है तो एक्स जीरो से छोटा है, एक्स जीरो से छोटा मतलब क्या है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स जीरो हो ही नहीं सकता। तो आप लिखिए विच इज कंटिन्यूअस, आपको ब्रैकेट में लिख देना है सिंस साइन एक्स एंड एक्स बोथ आर कंटिन्यूअस, इतना लिख दीजिए, बस काम खत्म। आप देखिए एक्स ग्रेटर देन जीरो में करिए, आपको इक्वल छोड़ के पहले लिखना है, एक्स ग्रेटर देन जीरो में देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो ये तो एक पॉलिनोमियल है बेटा, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो ये भी कंटिन्यूअस है, लिख लीजिए विच इज कंटिन्यूअस, एग्जाम में ऐसे ही लिखिए आपको फोर मार्क्स मिल जाएगा, विच इज कंटिन्यूअस सिंस, आप ब्रैकेट में ये लिख सकते हैं, सिंस पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, इतना लिख दीजिए बस। आप देखिए यहाँ पे जीरो पॉइंट में फंक्शन का इंटरवल जो है ना ब्रेक हो चुका है, तो जीरो पॉइंट में लेफ्ट हैंड लिमिट, अब जीरो पॉइंट में आपको कैलकुलेट करना है, तो लिखिए एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो में क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या है बेटा, एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, ये कैलकुलेट करेंगे, और राइट हैंड लिमिट इसका फॉर्मूला क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, ये कैलकुलेट करके देखेंगे इक्वल आएगा कि नहीं, तो जीरो माइनस मतलब एक्स टेंस टू जीरो माइनस, इसका मतलब क्या है, जीरो से छोटा, एक्स जीरो से छोटा मतलब एफ एक्स क्या देते हैं, साइन एक्स ओवर एक्स, तो एफ एक्स की जगह पे हम लिखेंगे साइन एक्स ओवर एक्स, आप तो जानते ही है, देखिए आप तो जानते ही है ये फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स, क्लास इलेवन का फॉर्मूला ये वन होता है, तो एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स वन होता है, मतलब क्या है, जीरो पॉइंट में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है वो है वन, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी वन है और राइट हैंड लिमिट भी वन है, तो इसके जगह आप डायरेक्ट लिख सकते हो वन, बस और कुछ मत करो, इक्वल टू वन, आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो प्लस, जीरो प्लस मतलब जीरो से बड़ा, एक्स जीरो से बड़ा मतलब एफ एक्स क्या देता है, एक्स प्लस वन, तो एफ एक्स के जगह पे हम एक्स प्लस वन लिखेंगे, यहाँ पे बच्चे ब्रैकेट देने भूल जाते हैं, तो ब्रैकेट मस्ट, तो आप लिमिट छोड़ दीजिए, लिमिट छोड़ना मतलब एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पे पुट कर देना, तो जीरो प्लस वन दैट इज़ वन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया वन और राइट हैंड लिमिट क्या आया वन, आप
फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करना है पड़ेगा एट एक्स इक्वल टू जीरो। फंक्शनल वैल्यू क्या होता है, तो एक्स एफ जीरो क्या हो जाएगा, देखिए बेटा एक्स जीरो के इक्वल है कौन से इंटरवल, ये वाला इंटरवल, ये वाला इंटरवल, इसमें देखिए इक्वल है, ये रहा इक्वल। तो एक्स जीरो में एफ जीरो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स प्लस वन दैट इज जीरो प्लस वन, तो जीरो प्लस वन क्योंकि इक्वल यहाँ पे है तो आपको इसमें एक्स के जगह पे जीरो रखना है, तो एफ जीरो भी वन आया। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट वन आया, राइट हैंड लिमिट वन आया और फंक्शनल वैल्यू भी वन आया, तो तीनों इक्वल। अब लिखिए सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ जीरो, देयरफॉर द गिवन एफ इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो देखिए इसके बाद और एक लाइन आपको लिखना है, क्या लिखना है, एक्स लेस देन जीरो में ये फंक्शन क्या था, कंटिन्यूअस था, एक्स ग्रेटर देन जीरो में भी फंक्शन कंटिन्यूअस था और एक्स इक्वल टू जीरो में भी कंटिन्यूअस था। मतलब क्या है, यहाँ पे अगर जीरो है तो इधर कंटिन्यूअस है, इधर भी कंटिन्यूअस, जीरो पॉइंट में भी कंटिन्यूअस है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ही नहीं। तो उसके बाद लिखिए देयरफॉर द गिवेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस इन गिवेन डोमेन, गिवेन डोमेन में, इन गिवेन डोमेन, डोमेन में फंक्शन कंटिन्यूअस। आप उसके बाद ये लिख लीजिए दी गिवेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, बस आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर हमने कर दिया है, आप कॉपी कर लीजिए, पहले हम आपको समझा देते हैं। गिवन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन बाई एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो। आप देखिए यहाँ पे क्या नंबर दिखाई दे रहा है, जीरो दिखाई दे रहा है, तो पहले हम जीरो पॉइंट में लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स, तो एक्स टेंस टू जीरो का मतलब क्या है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो में फंक्शन क्या देता है, एफ एक्स क्या देता है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन बाई एक्स, तो एफ एक्स के बदले हम एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन बाई एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एफ एक्स के बदले देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो के बदले लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लिखा, एफ एक्स के बदले हम एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन बाई एक्स लिख दिया। आप देखिए जब लिमिट छोड़ेंगे ना, ये हमेशा याद रखना जीरो यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे नहीं पुट करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये एक प्रॉपर्टी होता है, आपको बताएंगे धीरे धीरे, आप पहले लिख लीजिए। तो जीरो स्क्वायर इन टू, इसका वैल्यू हमेशा एक फाइनाइट नंबर होता है बेटा, साइन वन बाई एक्स का हमेशा एक फाइनाइट नंबर होता है, तो जीरो स्क्वायर क्या होता है, जीरो, जीरो इंटू कोई भी नंबर क्या होता है, जीरो ही हो जाएगा ना। तो इसका लिमिट कैलकुलेट किया एट एक्स इक्वल टू जीरो में, जीरो, आप एफ जीरो कैलकुलेट करना है, तो एक्स इक्वल टू जीरो कहाँ पे है, देखिए एफ जीरो मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन का वैल्यू, तो एक्स इक्वल टू जीरो में फंक्शन क्या दे रहा है, जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पे अगर एक्स के जगह पे जीरो रखेंगे तो एफ जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, तो एफ जीरो हो जाएगा जीरो। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स क्या आया, जीरो, और एफ जीरो भी जीरो आया, तो ये दोनों इक्वल हो गया, इसका वैल्यू जीरो, इसका वैल्यू भी जीरो, तो ये दोनों ही बराबर। तो एक्स इक्वल टू जीरो में क्या है, फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू इक्वल हो गया, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये बताएंगे बेटा, थोड़ा पेशेंस रखिए। उसके बाद देखिए आप, आपको अगर देखिए बेटा एक्स जीरो, जीरो पे तो हमने कंटिन्यूअस दिखा दिया, अब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पे फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस, ओके, मतलब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो में ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि देखिए ना बेटा ये जो फंक्शन है ना एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स, ये एक्स जीरो छोड़ के कोई भी नंबर देखिए रखिए, जीरो को छोड़ के, एक्स जीरो को छोड़ के कुछ भी नंबर यहाँ पे रखिए, कभी अनडिफाइंड नहीं होगा। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, आप एफ वन जी वन कैलकुलेट करके देखिए, तो वन स्क्वायर साइन वन वन बाई वन, ये अनडिफाइन हुआ क्या, इसका तो वैल्यू मिलेगा ना। जी टू, जी टू कैलकुलेट करके देखिए, तो टू स्क्वायर इंटू साइन वन बाई टू, ये भी तो एक वैल्यू मिलेगा, तो ये भी तो अनडिफाइन है। जीरो को छोड़ के आप माइनस रखिए, माइनस टू रखेंगे तो ये माइनस टू होल स्क्वायर इन माइनस वन बाई टू, ओके, तो ये भी तो वैल्यू मिलेगा। तो जीरो पॉइंट में ही प्रॉब्लम हो रहा था, बट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ये फंक्शन जीरो पॉइंट में भी कंटिन्यूअस है और जीरो नॉट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो में भी कंटिन्यूअस है, तो ये फंक्शन गिवन डोमेन में कंटिन्यूअस है, मतलब
हेंस, अब इसके बाद लिखिए हेंस जो लिखा था उसके बाद लिखिए हेंस द गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, इतना लिख दीजिए, आपका ही इसका आंसर हो चुका है। देखिए अब आते हैं यहाँ पे हम लिमिट को पुट क्यों नहीं किया, ओके इसका रीजन क्या। यहाँ पे आप बोलेंगे सर हम यहाँ पे ए फाइनाइट नंबर आप क्यों लिखा, ओके तो देखिए इसका रीजन आपको बता देते हैं। देखिए साइन एक्स कॉस एक्स ये सारे ना इसको बोलते हैं बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड क्यों, इसका जो वैल्यू आता है ना हमेशा आप तो जानते ही है साइन एक्स का वैल्यू हमेशा माइनस वन से वन के बीच में रहता है ना, है कि नहीं। तो ये माइनस वन और दो रियल नंबर के बीच में लाई करता है, तो जो जो फंक्शन दो रियल नंबर के बीच में लाई करता है मतलब जिसका वैल्यू जो जो फंक्शन का वैल्यू दो रियल नंबर के बीच में लाई करता है उसको बोलते हैं बाउंडेड, वो फंक्शन को क्या बोलते हैं बेटा बाउंडेड, ओके। तो देखिए यहाँ पे साइन एक्स का ये जो ग्राफ है ना माइनस वन और वन के बीच में लाई करती है, ये वन है, ये हाइट है वन और ये हाइट है माइनस वन, तो ये माइनस वन और वन के बीच में देखिए पूरा ग्राफ है। तो ये साइन एक्स कॉस एक्स सिमिलरली कॉस एक्स का ग्राफ अगर देखेंगे तो कॉस एक्स का ग्राफ भी ऐसे होता है ना, ये भी देखिए माइनस वन और वन के बीच में ही लाई करता है। तो ये साइन एक्स कॉस एक्स बाउंडेड फंक्शन है। अब टेन एक्स एक एक्स कोसेक एक्स जो है ना वो सब अनबाउंडेड फंक्शन है, कॉट एक्स जो ये दोनों को छोड़ के टेन कॉट कोसेक सेक ये सारे अनबाउंडेड फंक्शन है। देखिए एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये सारे अनबाउंडेड फंक्शन है क्योंकि देखिए एक्स जितना बढ़ाते जाओगे उतना वैल्यू मिलेगा। जैसे आपको बता देते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स अगर 10,000 है तो वाई का वैल्यू भी 10,000 होगा, एक्स जितना और भी तो वाई का वैल्यू देखिए और भी इंक्रीज होगा, एक्स जितना बढ़ाओगे वाई उतना मिलेगा। इसका वैल्यू किसी के मतलब ये देखिए इसका ग्राफ माइनस इन्फिनिटी मतलब ये माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी वाई एक्सिस में पूरा कवर हो जाएगा। देखिए आप जितना एक्सटेंड करोगे ये कभी घेरा नहीं है, जो जो घेरा नहीं है उसको बोलते हैं अनबाउंडेड, ओके। देखिए ना आप घर के अंदर रहते हैं तो आपका रीजन क्या बाउंडेड है क्योंकि आप दीवार से बंद है, ओके। आप अगर खेत पे आ जाएंगे तो आप अनबाउंडेड हो जाओगे क्योंकि आपके आसपास कोई दीवार नहीं है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये सब बाउंडेड अनबाउंडेड। तो एक ग्रेजुएशन में मतलब बीएससी में एक प्रॉपर्टी है, ये फॉर्मूला होता है एक्स इंटू ए बाउंडेड फंक्शन, ये लिख के रखिए बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स इंटू ए बाउंडेड फंक्शन, ओके। तो जब लिमिट छोड़ेंगे सिर्फ हम यहाँ पे ही एक्स के जगह पे रखेंगे तो जीरो, एक्स के जगह पे लिमिट छोड़ेंगे तो मतलब एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पे पुट करना है तो जीरो मिलेगा। और कोई भी एक बाउंडेड फंक्शन तो एक बाउंडेड फंक्शन हमेशा एक रियल नंबर दे देता है ना, जैसे साइन एक्स, देखिए ना साइन एक्स हमेशा माइनस वन और वन के बीच में लाई करता है, मतलब इसका एक वैल्यू हमेशा एक फाइनाइट नंबर ही तो होगा, इनफाइनाइट तो हो ही नहीं सकता है कि नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू इसके बीच में ही रहेगा। तो ए फाइनाइट वैल्यू तो जीरो इंटू इसका जब हम लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे सिर्फ यहाँ पे नहीं पुट करेंगे वो बाउंडेड फंक्शन होने की वजह से जीरो इंटू ए फाइनाइट वैल्यू दे देगा, तो जीरो इंटू कोई भी एक फाइनाइट वैल्यू जीरो ही होता है। देखिए बेटा ये ग्रेजुएशन का प्रॉपर्टी है अभी बताया, तो इसके लिए और भी थियोरीज डेवलप करना पड़ेगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप ये लर्न कर लीजिए सिर्फ, ओके। सपोज यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो स्क्वायर, सिर्फ यहाँ पे पुट करेंगे तो जीरो स्क्वायर इंटू ए फाइनाइट वैल्यू ये लिख देंगे। अब यहाँ पे अगर एक्स एक्स टू दी पर समथिंग रहता है वन एक्स टू दी पर फाइव रहता है तो क्या बोलेंगे जीरो टू दी पर फाइव इंटू ए बाउंडेड, तो जीरो ही आएगा। सपोज यहाँ पे वन बाई एक्स है, बैठिए बेटा देखिए अगर यहाँ पे वन बाई एक्स है तब क्या हो जाएगा एक्स यहाँ पे एक्स के जगह पे अगर जीरो पुट कर देंगे वन बाई जीरो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, वन बाई जीरो इन्फिनिटी इंटू एक फाइनाइट नंबर इन्फिनिटी होगा, तो ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर वन बाई एक्स रहता है वन बाई एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स क्यू ये सब रहता है तो ये लिमिट ये फंक्शन का लिमिट इस टाइप का फंक्शन का लिमिट अनडिफाइन होता है, लिख के रखिए, ओके। बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो जैसे और एक फंक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम ये दे दें ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दे तो आपको ये समझ दे देंगे हम, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा तो जीरो इंटू आप लिख देना ये फाइनाइट नंबर क्योंकि यहाँ पे पुट करना है ये तो बाउंडेड फंक्शन है, साइन थीटा तो बाउंडेड फंक्शन होता है आपको बताया, तो ये फाइनाइट वैल्यू दे देगा।
तो जीरो इंटू फाइनाइट वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 के तरह आप न्यू क्वेश्चन लिख के रखिए बेटा। अगर ये न्यू क्वेश्चन है तो ये फंक्शन का आपको कंटिन्यूटी चेक करने पूछेंगे, लिख लीजिए। गिवन बल्कि इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस देन डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द अबव फंक्शन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ, ऐसे लिख लीजिए बेटा ये क्वेश्चन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन ऑफ द ऑफ एफ सिंपल मतलब ऑफ ऑफ द फंक्शन। तो देखिए अगर हम यहाँ पे एक्स क्यूब कर दें तो सेम आंसर बेटा, वहाँ पे जीरो क्यूब हो जाएगा, जीरो क्यूब इंटू ए फाइनाइट वैल्यू हो जाएगा। ओके अगर हम यहाँ पे कॉस कर दें तो ये भी न्यू क्वेश्चन है, लिख लीजिए ये भी न्यू क्वेश्चन है, एक्स कॉस वन बाई एक्स, तो ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा। सिर्फ आपको लिमिट जब कैलकुलेट करने हैं करेंगे आप, ये कैलकुलेट जब करेंगे सिर्फ यहाँ पे लिखना है एक्स कॉस वन बाई एक्स, तो यहाँ पे लिमिट छोड़ना है तो जीरो इंटू ए फाइनाइट नंबर, तो जीरो इंटू ए फाइनाइट नंबर क्या होता है, जीरो हो जाएगा। तो और एफ जीरो तो जीरो ही हो जाएगा, तो ये भी कंटिन्यूस है। अगर एक्स स्क्वायर कर दे एग्जाम में तो ये भी न्यू क्वेश्चन आ गया है, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो स्क्वायर, जीरो स्क्वायर क्या होता है जीरो, जीरो जीरो इंटू फाइनाइट नंबर का जीरो हो जाएगा, तो एफ जीरो भी जीरो हो जाएगा। तो ये सारे फंक्शन कंटिन्यूस है बेटा, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया या फिर यहाँ पे एक्स क्यू दे देख के आ गया तो डरिएगा नहीं बेटा, आंसर सेम ही आएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट न्यू क्वेश्चंस बन गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट सम्स के तरह ही है, लिखने का पैटर्न सेम रखिए। तो गिवन बोल के लिखिए, तो एट एक्स इक्वल टू जीरो में कैलकुलेट करेंगे और एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो में देखेंगे। तो आप पहले वीडियो को पॉज करके करिए और मेरे साथ आंसर मैच कर लीजिए। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स कैलकुलेट करिए, तो एक्स टेंस टू जीरो मतलब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो में फंक्शन क्या देता है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो एफ एक्स के जगह पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख दिया, अब लिमिट छोड़ दिया, लिमिट छोड़ना मतलब एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पे पुट कर देना, साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो वन होता है, तो ये माइनस वन हो चुका है। अब एफ जीरो, एफ जीरो मतलब एक्स इक्वल टू जीरो में देखिए, एक्स इक्वल टू जीरो में फंक्शन क्या रहता है, माइनस वन। तो इसमें एफ जीरो क्या आया, माइनस वन, तो लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एफ एक्स कैलकुलेट किया, माइनस वन है और एफ जीरो भी माइनस वन आया, तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो इक्वल मतलब क्या है, एट एक्स इक्वल टू जीरो में ये फंक्शन कंटिन्यूस है, आप देखेंगे एट एक्स एक्स नॉट इक्वल टू जीरो में, तो ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद लिखिए एट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें देखेंगे इसमें एफ एक्स क्या होता है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है कि नहीं, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो में एफ एक्स क्या देता है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है ना बेटा, तो ये तो कंटिन्यूस है, ये फंक्शन तो कंटिन्यूस है क्योंकि साइन एक्स कंटिन्यूस है और कॉस एक्स भी कंटिन्यूस है और डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस, ये लिख लीजिए, विच इज़ कंटिन्यूस, विच इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन। आप उसका लॉजिक लिख दीजिए, सिंस डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस, ऑलवेज कंटिन्यूस, इतना लिख लीजिए। तो एक्स इक्वल टू जीरो में कंटिन्यूस हो चुका है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो में फंक्शन कंटिन्यूस हो चुका है, तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस एवरीवेयर। तो लिख लीजिए नेक्स्ट लाइन, therefore the given function is continuous everywhere, this is the answer of question number 25। ये एक न्यू क्वेश्चन है, लिख लीजिए, इफ एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इफ नॉ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड वन इफ एक्स इक्वल टू जीरो, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ। तो आपको सेम लिखने का पैटर्न, तो एट एक्स इक्वल टू जीरो में कैलकुलेट करिए, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो कैलकुलेट करिए, एफ एक्स ये वन आएगा और एफ जीरो भी वन आएगा, तो ये फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो में कंटिन्यूस है। और एट एक्स एक्स नॉट इक्वल टू जीरो में आपको लिखने का तरीका वही है, आपको डिटेल में करना है, हम सिर्फ बता रहे हैं एफ एक्स क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स विच इज़ कंटिन्यूस क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस। ओके हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। अगर हम सेम क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन बना दें और एक क्वेश्चन लिख लीजिए, यहाँ पे सिर्फ माइनस वन कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप एट एक्स इक्वल टू जीरो में लिमिट कैलकुलेट करके देखिए वन आएगा और एफ जीरो क्या आएगा, एफ जीरो में एक्स इक्वल टू जीरो में एफ जीरो आएगा माइनस वन, तो लिमिट
आया वन और फंक्शनल वैल्यू आया माइनस वन, तो ये दोनों अनइक्वल है। तो एट एक्स इक्वल जीरो में ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। लिख लीजिए सिंस लिमिट, देखिए एग्जाम में इस टाइप का सांप्स आ ही सकता है। अगर देखिए ये दोनों अनइक्वल आ चुका है, देयरफॉर एफ इज डिसकंटिन्यूअस, एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, और एट एक्स इक्वल एक्स नॉट इक्वल टू जीरो में ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये फंक्शन का आंसर क्या लिखेंगे लास्ट में, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल जीरो, क्योंकि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो में ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस है ही, है कि नहीं। तो ये ऐसे लिख लीजिए, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल जीरो, जीरो पॉइंट में कंटिन्यूअस नहीं है जब हम ये माइनस वन कर देंगे। एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ ये वीडियो दोस्तों से शेयर कर दीजिए। और देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है ये एक्सरसाइज का, वो हम डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए ऊपर में आई बटन क्लिक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।